वालेकुम डियर स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब माय नेम इन मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू साइंस क्लास एट्थ आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर का टॉपिक एसिड तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ चैप्टर नंबर ट्वेल्व एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एंड द टॉपिक इज एसिड रेन के एसिड रेन क्या होती है और ये किस वजह से पैदा होती है सो so, एसिड रेन जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा होगा कि ऐसी रेन जिसमें एसिड मौजूद हो उसे हम कहते हैं एसिड रेन अब ये एसिड रेन किस वजह से कॉज होती है दैट इज बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड रिलीज ऑफ वेस्ट गैसेस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड फ्रॉम फैक्ट्रीज इनटू एयर कॉजेज एसिड रेन सो नॉर्मली इंडस्ट्रीज में या फैक्ट्रीज में जो फॉसिल फ्यूल्स को बर्न किया जा रहा होता है या फिर हमारे व्हीकल्स में जो फॉसिल फ्यूल को बर्न किया जा रहा होता है तो उसके बर्न करने से कुछ गैसेस प्रोड्यूस होती हैं जैसा कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस तो जब ये गैसेस एयर में जाती हैं तो एयर में जब सनलाइट इनके ऊपर फॉल करती है तो उसकी वजह से वहां पर एसिड रेन कॉज हो जाती है क्लियर आई एम रिपीटिंग अगेन कि जो फैक्ट्री से या जो पावर प्लांट से जो गैसेस बाहर निकल रही हैं और वो गैसेस कौन कौन सी हैं दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस जब ये गैसेस जाके एयर के साथ रिएक्ट करती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो वहां पर एसिड रेन कॉज हो जाती है so, इसको हम ए कैमिकल इक्वेशन से डिस्कस करते हैं लाइक लेट्स सपोज टू एसओ टू मीनस के सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो कि फैक्ट्रीज और जो पावर प्लांट्स हैं उनकी गैसेस से निकल रही है प्लस जो कि एयर में वाटर मॉलिक्यूल्स हैं टू एस टू ओ एंड प्लस ऑक्सीजन जो कि एयर में मौजूद है तो जब ये आपस में रिएक्ट करेगा तो रिएक्ट करके यहां पर बन जाएगा टू एच टू एस ओ फोर विच इज सल्फ्यूरिक एसिड और जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ओके okay? सल्फ्यूरिक एसिड जब बारिश की फॉर्म में नीचे आ रहा होता है तो ये बहुत ज्यादा अफेक्ट कॉज करता है हमारे एनवायरमेंट में हमारे इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है किस तरह से सो हाउ एसिड रेन अफेक्ट द एनवायरमेंट की एसिड रेन जो है वो किस तरह से एनवायरमेंट को अफेक्ट कर रही है एंड दैट इज एसिड रेन डैमेजेस स्टैचूज एंड बिल्डिंग मेड ऑफ लाइम स्टोन दैट इज सी ए सी ओ थ्री कैल्शियम कार्बोनेट तो वो बिल्डिंग्स या वो स्टैचूज स्टैच्यूज लाइम स्टोन से मिलकर बने हैं दैट इज चूने का पत्थर जो किल कैल्शियम कार्बोनेट कहलाता है तो जब एसिड इस पर फॉल करती है तो एसिड जो है वो किसी भी बेस के साथ बहुत हैवीली रिएक्ट करता है तो जब एसिड इस पर फॉल करेगा तो वो इसको बहुत बुरी तरह से डैमेज कर देगा इसको खराब कर देगा तो ऐसे बिल्डिंग्स या ऐसे स्टैचूज जो कि लाइम से मिलकर बने हैं कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बने हैं तो एसिड ड्रेन है वो उसको खराब कर देगी क्लियर okay. सो so, इसके फर्दर इफेक्ट्स पड़ते हैं सो इट अटैक्स द सिमेंट्स तो ऐसे बिल्डिंग जो कि सिमेंट्स आपको पता है नॉर्मली बिल्डिंग जो है वो सीमेंट से मिलकर बनी होती हैं तो सीमेंट को जाकर ये डैमेज कर देता है ये एसिड रेन सीमेंट को जाकर डैमेज कर देता है क्योंकि सीमेंट जो है उसने जो बिल्डिंग की जो ईंटें होती हैं उसके درمیان एक स्ट्रांग बॉन्डिंग क्रिएट की होती है अब जब वो ही डैमेज हो जाएगा तो वो जो उसके दरमियान बॉन्डिंग है वो भी आता आता वीक होती जाएगी और इस तरह से आपका जो स्ट्रक्चर है वो भी वीक हो जाता है क्लियर एंड इट करोड्स मेटल्स मेटल्स तो ये को भी खराब कर देता है मेटल्स को ये जंग लगा देता है अगर आप मेटल को वैसे भी किसी एसिड में प्लेस करें तो वहां पर जंग लग जाता है जब एसिड रेन उस मेटल के ऊपर फॉल करेगी तो ऑब्वियसली उस मेटल को भी जंग लग जाएगा वो भी मेटल खराब हो जाएगा तो इस तरह से ऐसा कोई स्ट्रक्चर जो मेटल से मिलकर बना है वो भी एसिड रेन की वजह से बहुत खराब हो जाएगा एंड इट मेक्स लेक्स एसिडिक कर देता है किस तरह से और लेक्स को एसिडिक करने का मतलब ये है कि ये आपके पूरे इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर रहा है किस तरह से लाइक like, जब एसिड रेन फॉल करेगी उन लेक्स में तो उस लेक्स में जितना भी पानी है वो सारा का सारा क्या हो जाएगा एसिडिक हो जाएगा तो हम कहेंगे कि हमारी लेक्स जो, जो है वो एसिडिक हो गई है अब वो एसिडिक लेक्स का जो पानी है जब वो सॉइल के साथ एंटरेक्ट करेगा तो वो एसिडिक जो वाटर है वो उस सॉइल में से जितना भी एल्यूमिनियम है उसको निकाल कर साथ ले जाएगा अब वो एल्यूमिनियम जैसे ही लेक्स पे एंटर होगा तो लेक्स में अगर लेट्स फिशेज हैं वहां पर मौजूद तो वो फिश जैसे ही उस एल्यूमिनियम को ईट करेंगी खाएंगी उससे क्या होगा कि वो वो भी मर जाएंगी उनकी भी डेथ हो जाएगी और इस तरह से वो एल्यूमिनियम अगर कोई बर्ड उसको खा लेता है तो उस बर्ड की भी डेथ हो जाएगी सो तो इस तरह से ये आपकी जो एक्वाटिक लाइफ है उसको भी डिस्टर्ब कर रहा है ओके सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड नाउ कि एसिड रेन जो है वो कितनी ज्यादा डेंजरस है हमारे लिए एंड सिमिलरली इट जेस डेथ ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स और ये जितने भी प्लांट्स एंड ट्रीज हैं उनकी भी ये डेथ का कॉज बनती है किस तरह से अगेन जैसे मैंने आपसे कहा कि एसिड रेन जो है वो सॉइल को इफेक्ट करेगी तो जब सॉइल डैमेज हो जाएगी दैट्स मीन के सॉइल डैमेज है दैट मीन वहां पे जो रूट्स हैं प्लांट्स हैं वो भी सब के सब डैमेज हो जाएंगे और इस तरह से उनकी ग्रोथ जो है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी तो इस तरह से वो प्लांट्स और ट्रीज जो है उनकी डेथ हो जाएगी क्लियर नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट कैन बी डन टू रिड्यूस एसिड के हम ऐसा क्या करें कि इस एसिड एसिड्रेंट को हम रिड्यूस कर सकें सो बाय यूजिंग स्क्रबर्स इन पावर प्लांट्स ऐसे पावर प्लांट्स जहां पर फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है वहां पर हम इन स्क्रबर्स को इस्तेमाल करके हम एसिड एसिड्रेंट को रिड्यूस कर सकते हैं किस तरह से जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया कि फॉसिल फ्यूल को बर्न करने से हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस होती हैं एंड दैट इज़ सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस तो अगर हम स्क्रबर को यूज करें तो स्क्रबर क्या करता है कि वो हार्मफुल जो गैसेस हैं उनको रिमूव कर देता है ओके okay? स्क्रबर क्या करता है इट रिमूव्स द हार्मफुल गैसेस ओके okay. अब जैसे ही हार्मफुल गैसेस रिमूव हो जाएंगी तो एसिड रेन जो है वो भी बनना कम हो जाएगी सो दिस इज वन ऑफ द रीजन कि जिससे आप एसिड रेन को कम कर सकते हैं नाउ द सेकेंड वन यूजिंग कैटलिटिक कन्वर्टर्स इन वेहकल्स जैसे कि अभी हमने स्टडी किया कि हम वेहकल्स में जो कि पेट्रोल को बर्न करते हैं तो उसके बर्न करने से भी कुछ हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं तो अगर हम वहां पर कैटलिटिक कन्वर्टर को इस्तेमाल कर लें तो कैटोलिटिक कन्वर्टर क्या करता है कि वो उन हार्मफुल गैसेस को कन्वर्ट कर देता है लेस हार्मफुल गैसेस में ओके तो इस तरह से जब गैसेस आपकी हार्मफुल नहीं रहेंगी तो एसिडेंट प्रोड्यूस नहीं होगी क्लियर सो so, कैटोलिटिक कन्वर्टर क्या करता है इट कन्वर्ट हार्मफुल गैसेस लेस हार्मुलर सो इस तरह से इन दो मैथड्स के थ्रू आप एसिड रेन को कम कर सकते हैं अब इसी के साथ एक डिड यू नो का बॉक्स गिवन है तो वह हम स्टडी करते हैं सुनाओ डिड यू नो ओ थ्री

तो क्योंकि एटमोसफेयर में ऑक्सीजन ऑलरेडी मौजूद है तो जैसे ही सन से जो अल्ट्रा लाइट जब इस ऑक्सीजन पर फॉल करती है तो उसके रिएक्ट करने से वहां पर ओजोन बन जाती है दैट इज ओ थ्री सो ओ थ्री जो है ये पॉइजनस गैस है और जो कि हमारी ह्यूमन लाइफ के लिए भी काफी डेंजरस है अगर आप इसमें सांस लेते हैं तो आपके लिए भी ये काफी इफेक्टिव हो सकती है कि आपको बहुत सीरियस डिफिकल्टीज आप में क्रिएट कर दे इवन कि इससे आपकी डेथ भी हो सकती है लेकिन साथ साथ ये जो ओजोन लेयर जो कि जमीन से काफी ऊपर हाइट पर मौजूद है ये हमें प्रोटेक्ट भी कर रही है जितनी भी अल्ट्रा वायल्ट रेडिएशन है उनको जमीन पर आने से रोकती है उनको फिल्टर आउट करती है क्लियर सो आई होप ये डिड यू नो का बॉक्स आपको क्लियर होगा इसी के साथ टेस्ट टेस्टिव सेल्फ के कुछ क्वेश्चन गिवन है एंड आई होप कि हमारे लेक्चर से आप इन टेस्टिव सेल्फ क्वेश्चन के आंसर कर सकते हैं So, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा टेक केयर अल्लाह हाफिज